हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आज हम लेके आए आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि किसी बैलून को बिना टच किए कैसे हम पॉप कर सकते हैं, यानी कि फोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास में बैलून्स हैं जिनको हमने एक रस्सी से बांध दिया है, और अब हमको सिंपली क्या करना है, ये हमारे पास में ऑरेंज है, इसकी जो पील है यानी कि छिलका है उसको हम उतार लेते हैं, और हमको जो इसका छिलका है उसको स्क्वीज करना है इनके ऊपर, और चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने बहुत सारे बैलून्स को पॉप किया ऑरेंज की पील से, छिलके से, और ये देखिए जैसे ही हम इस पे स्क्वीज करेंगे तो ये पॉप हो जाता है। इसका जो कारण है वह यह है कि जो ऑरेंज की पील होती है इसमें पाया जाता है लाइमोनिन। ये एक ऑयल होता है जो फ्यूल की तरह काम करता है, और ये बना होता है हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन मोस्टली कार्बन का बना होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कार्बन का बना होता है तो ये ज्वलनशील होगा। तो चलिए देखते हैं ये ज्वलनशील है या नहीं है। यह हमारे पास में मोमबत्ती है, और ये देखिए ये हमारे पास में छिलका है ऑरेंज का, और जैसे कि हम जानते हैं इसके अंदर लाइमोनिन होता है, और लाइमोनिन हाइड्रोकार्बन का बना होता है। तो जाहिर सी बात है ये एक फ्यूल की तरह काम करेगा। तो देखिए ये देखिए ये ज्वलनशील होता है, जैसा कि हमने देखा, इसको हम जला भी सकते हैं, ये फ्यूल की तरह भी काम करता है। और जो ये लाइमोनिन होता है, लाइमोनिन जो मॉलिक्यूल होता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है उसके प्रत्येक कॉर्नर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे इक्वली चार्ज्ड होते हैं, यानी कि जो उन पे चार्ज होता है वो हर जगह बराबर होता है। तो अगर हम किसी ऐसे हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करें जो नॉन पोलर हो तो वो भी पॉप कर सकता है शायद बैलून को। और जो इजीली एक्सेसिबल है घरों में वो पेट्रोल होता है, पेट्रोल भी एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन होता है। तो चलिए देखते हैं कि पेट्रोल से हम पॉप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास में दूसरा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है जो कि एक पेट्रोल है। अब पेट्रोल को देखेंगे कि ये पेट्रोल से भी पॉप हो सकता है नहीं हो सकता है। तो पेट्रोल की कुछ बूंदें ले लेते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि पेट्रोल से ये फूटता है नहीं फूटता है। और ये देखिए पेट्रोल से भी फूट गया, यानी कि जितने भी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है उससे फूट जाएगा। इसके पीछे का जो साइंस है वो क्या है, जो हमारा गुब्बारा होता है, बैलून होता है, वो बना होता है लेटेक्स का, और लेटेक्स भी एक हाइड्रोकार्बन होता है जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन होता है। तो जैसे ही लाइमोनिन कॉन्टैक्ट में आता है लेटेक्स के, तो वो लेटेक्स को माइग्रेट कर देता है और उसको डिजोल्व करता है, और जो डिजोल्व होता है लेटेक्स वो इतनी तेज़ी से नहीं हो पाता है। वो जो हमें दिखाई देता है वो इसलिए तेज़ दिखाई देता है क्योंकि जो हाईली प्रेशर्ड बैलून होता है वो उसकी वजह से लेटेक्स बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, इससे रिएक्शन तेज़ होती है। और जो है जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया है, अगर हम ऑरेंज के 100 ऑरेंज ले तो 100 ऑरेंज से हमें 1 लीटर लाइमोनिन प्राप्त होगा, और अगर हम 387 ऑरेंज लेते हैं तो 1 गैलन हमें प्राप्त होता है लाइमोनिन, और 1 गैलन से हम 25 मील तक किसी गाड़ी को चला सकते हैं। और जैसे कि हम ऑरेंज से चला सकते हैं किसी गाड़ी को, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेट्रोल को पिए ऑरेंज की जगह, वो सही नहीं रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।